अच्छा यही तो है, तरफ वैसे ही बना हुआ है, खिड़की वगैरह सब बना हुआ है, तो इसलिए मैं वहाँ दूर से आप लोगों को दिखलाया था। बाकी कैसा लग रहा है? हे गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रोड पे, फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो देहरादून का सबसे फेमस जगह लेके जाने वाला हूँ, जहाँ पर बहुत सारे फिल्म की शूटिंग हुई है। FRI ऐसा करके नाम है उनका। हमने गूगल पे काफी सर्च किया, तब जगह के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे फिल्म की शूटिंग हुई है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी शूटिंग हुआ था, जो मूवी आपने साथ देखा होगा। देन ये है हमारा रूम जहाँ से अपन निकलने वाले, यहाँ से वही 5 से 6 किलोमीटर का आसपास दिखला रहा है गूगल मैप पे। तो गूगल माता हमें लेके जा रही है, ये तो वैसे पूरा गेड़ियाँ मार के रख देते हैं यार, आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानी। तो यहाँ से अपने को राइट लेना है, फोन वाली रूट बोला, काम वाली रूट ऐसे कुछ तो बोला गूगल माता। कंटिन्यू, ये वाले रूट को कंटिन्यू रखना है, ऐसे गूगल माता बतला रही है। अच्छा यही तो है, अब ये किधर से एंट्री लेना है देखना पड़ेगा। गाइस, तो ये देखिए यहीं पे हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का शूटिंग, और यहाँ पे रुकना मना है। वाव, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई साहब। अब सोचे यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग हुई है, लोकेशन पर आ चुके हैं, ये देखो शानदार सा। देन गाड़ी पार्क करते हैं और आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखलाते हैं। सही है भाई, एकदम गजब का है, ईंटों से बना हुआ है, ये देख रहे हो क्या बेहतरीन बना हुआ है, अंग्रेजों ने बनाया है इसे। तो हमने मास्क लगा लिया है क्योंकि यहाँ पे मास्क अनिवार्य है। ये देखो भाई, बेहद खूबसूरत है, बेहतरीन बेहतरीन, यकीन मानो ये पूरा ईंटों से बना हुआ है और कितना खूबसूरत दिख रहा है। फिलहाल हम इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं, इसके अंदर में म्यूजियम भी है। ये देखो गाइस, इसकी बनावट देखिए आप, कितना बेहतरीन बनावट है इसका, गजब का दिख रहा है भाई। आपको पास से दिखलाता हूं, अंदाजा हो जाए। ये देखो पूरा ईंट से बना हुआ है, ये देख रहे हैं। ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कॉलेज दिखाया गया था इस जगह को, और गुम्मत वगैरह भी देखो काफ़ी शानदार बना हुआ है भाई साहब। मज़ा आ रहा है इस जगह में आकर, और यकीन नहीं हो रहा आँखों को कि ये ईंटों से बना हुआ है। देन इधर भी देखते हैं, सब तरफ वैसे ही बना हुआ है, खिड़की वगैरह सब बना हुआ है भाई, बेहद खूबसूरत है। देन इधर चलते हैं गाइस हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे मूवी की शूटिंग हुई है, जैसे कि कृष्णा कॉटेज और ना जाने कौन कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है। हमने कल गूगल पे सर्च कर रहा था तो वहाँ पे पता चला कि ये सब मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई है करके, तो मुझे लगा ये वाला प्लेस आप लोगों को दिखलानी चाहिए। ये देखो, और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये जगह, ये देखते जाइए आप लोग, बहुत शांत सा ये जगह है। म्यूजियम का अलग से चार्जेस लगेगा, तो आगे बढ़ते हैं इस साइड, फोटोग्राफी के लिए सही है। क्या बात है, सब तरफ ऐसी बना हुआ है, ये देखो, और बेहद खूबसूरत बना हुआ है इस साइड भी, क्या बात है। देन यहाँ से भी नज़ारा देखो, क्या बात है भाई साहब, बेहद खूबसूरत। और यहाँ पे सामने में गार्डन बना हुआ है, जब इतने सारे लोग हैं जो घूमने फिरने के लिए आए हैं, अधिकतर लोग तो यहाँ फोटोग्राफी के लिए ही आते हैं, हम तो वीडियो के लिए आए हैं ताकि आप लोगों को हम दिखला पाए ये जगह को। देखते जाइए आप, कितने अच्छे अच्छे जगह हैं ना आसपास में। एक व्यू मैं आप लोगों को दूर से दिखलाऊंगा, ये देखो कितना बड़ा सा ये गेट है, जो बने हैं ना ये ब्रिटिश काल में बने हैं, मतलब कि अंग्रेज़ों ने बनाया है ये जगह को, और तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस है।
ये देखो यहाँ भी, वाह यार, देख रहे हैं गाइस, आंखों को यकीन नहीं हो रहा है मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे इतनी सारी फिल्म की शूटिंग हुई है। खासियत इसकी ये है कि ये जो बना हुआ है पूरा का पूरा, ये ईंटों से बना हुआ है गाइस, ये है इसकी खासियत। चलो दूर से आप लोगों को एक झलक दिखलाता हूँ मैं, फिर देखते हैं आगे। यहाँ भी वही बना हुआ है, सब ऐसे ही बना है। इधर के भी देख लेते हैं, अभी कुछ कुछ काम भी चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो इधर थोड़ा सा शांति है, चारों तरफ आप लोगों को मैं घूम कर दिखलाता हूँ, तो मैं आपको सामने से भी दिखलाऊंगा। फिलहाल एक झलक यहाँ का देख लो, देखो कितना सुंदर सा दिखता है, इसकी बनावट काफ़ी सुंदर है। तो ये देखो गाइस, सामने से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो फोटोग्राफी रील्स वगैरह सब बना रहे हैं, तो मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का पूरा व्यू देता हूँ। तो गाइस सामने से कुछ ऐसा दिखता है, बेहतरीन दिखता है, ज़बरदस्त। अभी हम लोग इसके अंदर गए थे, पूरा अंदर से आप लोगों को मैं घूम घूम कर दिखला रहा था, पूरा तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन 100 में से 20-30% मैंने दिखलाया है। अंदर में म्यूज़ियम भी है, तो अगर आप आते हो तो म्यूज़ियम ज़रूर देखिएगा। हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है इस वजह से, बाकी चारों तरफ आप लोगों को घूम कर दिखला देता हूँ। यहाँ पर मस्त गार्डन बना हुआ है जहाँ पर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। और मैं थोड़ी देर पहले वहाँ से दिखला रहा था क्योंकि ये बहुत बना हुआ है तो पूरे वीडियो में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ दूर से आप लोगों को दिखलाया था। बाकी कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए आप लोग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बेहद ही खूबसूरत। गाइस तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा दूर से दिखला रहा हूँ ताकि अब क्लियर आपको समझ में आए कि यहाँ पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है और ये जो बना हुआ है अंग्रेज़ों ने बनाया है भाई, इसको बहुत प्यारा है यार, क्या गजब का दिख रहा है गाइस। तो अभी ये वाला सेक्शन बचा रह गया है तो उधर भी चलते हैं और पास से दिखलाते हैं आप लोगों को। भाई जितने बार देखो उतने बार बेहतरीन दिखता है ये, कितना खूबसूरत सा बनाया हुआ है, जो लोग आज भी देखने के लिए इस जगह को आते हैं गाइस। तो यहाँ पर म्यूजियम है, ये देखो यहाँ पर टिकट लेके आना पड़ेगा या फिर टिकट आप यहाँ पे कटा सकते हैं। ये देखो अधिकतर इस तरह का जो सीन होता है ना मूवी वगैरह में, वो बैंक वगैरह दिखाया जाता है या फिर रॉबरी करने के लिए दिखाया जाता है, तो वैसे ही हूबहू लग रहा है। ये भी हो सकता है कि शूटिंग चला होगा यहाँ पर, क्योंकि ध्यान आ रहा है मुझे हल्का हल्का। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो कमेंट करके बताओ। बाकी हमारा हो गया यहाँ का व्लॉग कंप्लीट, जाते जाते देख लो पूरा सीन, क्योंकि बार बार तो हमारा इस साइड आना होगा नहीं। यहाँ पे लिखा है वन सर्वधन संग्रहालय देन, ये देखो यहाँ पे अंदर में है। गाइस तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो को पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग।